रामाय राम भद्राय रामचंद्राय विद्धे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कस राम राम श्री राम राम शरणम भव राम राम। साधु बनना कठिन है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस गिरे तो चकना चूर। डले रहो दरबार में, डले रहो दरबार में, धक्का मुक्का धनी के खाओ और एक दिन ऐसा आएगा तुम्हें धनी हो जाओ। बोलो बागेश्वर हनुमान जी छठी बार जाए। हमें पता ना तो के देवी इतने पगला है, निकल भी में हम आदो शरीर उपचक गो हैं, जब इतने पे प्रवेश हुआ तब आदो शरीर उपचक गो, लेकिन ऐसो जानते तो हम बहुत जल्दी बहुत पहले कथा दे देते दे हैं। हाँ अब हम बहुत जल्दी कथा कर भी आप ही तुम लोग के प्राण खा भी। जय सियाराम। नारद जी की भूमिका निभाने वाले भारत का चतुर्थ स्तंभ पत्रकार बंधु भी विराजमान है, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले एक से एक महापुरुष हैं। और ये महापुरुष लाल टी शर्ट वालों तो और खतरनाक बाबा है जो भी विराजमान, सभी जनों का हम स्वागत कर रहे हैं। आप लोगों को भी हम कह दें कि हम सहज बस पूज्य श्री गीता मनीषी जी के दर्शन करने आए हैं। जितने भी प्रियजन खड़े हैं आप सब पर बालाजी की कृपा हो, हम तो नालायक मूर्ख आदमी हैं, अनपढ़ गवार आदमी हैं, हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं है। भैया जय श्री राम, ते खा ले बेटा प्राण हमारे। जय श्री राम, हरे कृष्णा प्रभु, वाहे गुरु जी का खालसा, बोले सुनिहार। तो यहाँ आकर हमको बहुत प्रसन्नता हुई और हम आपको जो निवेदन कर रहे थे वो बात ये थी, आगे को लोगों ने मिस कॉल सी मार दी जो भूल गए। तुम कहाँ छिपे थे पूर्व जन्मी चेला, तुम कहाँ छिपे थे, उसे गिनना जाइयो ब्रेक न्यूज बन जे सावधान रही हो। हाँ सो अरे खुश हो, तुम कैसे हो, तुम तो सारा सर बालाजी के पगला हो। हाँ जय हो जय हो, ठीक हो। हाँ भैया, भारत में श्री हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष रूप में, जय हो बढ़िया, कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में है, एक जगह साला सर बालाजी के रूप में है, मध्य प्रदेश के पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की दिव्य धरा पर बागेश्वर बालाजी के रूप में है, स्वयंभू बालाजी का धाम है। हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं, हम तो साधारण नालायक इंसान हैं। तो आपसे हमारी यही प्रार्थना है कि तुम हमारे पीछे पागल ना हो, जिनके पीछे हम पागल हैं ऐसे बागेश्वर बालाजी के पीछे पागल हो। वे बड़े ही दयालु हैं, बड़े ही कृपालु हैं, सो उनके चरण पकड़ो। ओम बागेश्वराय, आज का एक सूत्र नोट कर लो, भगवान गुरु और सफलता। पुनः सुनो, भगवान गुरु और सफलता खोजने से नहीं मिलती है, खो जाने से मिलती है। इतनी सी अंतर है, इतना सा बारीक, खोजने से नहीं खो जाने से प्राप्त होता है। तो अगर तुम्हें सफलता चाहिए, प्रभु की कृपा चाहिए, गुरु की छत्र छाया चाहिए, तो ये खोजने से प्राप्त नहीं होगी, खो जाने से ही प्राप्त होगी। अच्छा, खो जाने का मतलब पागलपन नहीं है, डूब जाओ। एक बात और, आप सब हमारी आत्मा हो, बड़े भरोसे के साथ आप खड़े हो,
हम तो प्रार्थना कर सकते अपने आराध्य के चरणों में, बालाजी के चरणों में, कि तुम्हारी मंगल हो जावे, तुम्हारी जय जय हो जावे, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो जावे। पर भैया और देवता हनुमत से ही हनुमान जी जैसा कोई दूसरा देवता नहीं है कलयुग में। सर्व सामर्थ्यवान है, तुम उनके चरण पकड़ो, बालाजी के चरण पकड़ो, हनुमान जी की भक्ति के अनेक लाभ हैं। पहला लाभ तो यही है, अगर तुम साधक हो सिद्धि पाना चाहते, अगर तुम उपासक हो उपास की कृपा पाना चाहते, अगर तुम पूजक हो पूज्य की कृपा पाना चाहते, तो पहला लाभ तो है कि तुम हनुमान जी के चरण पकड़ो, अष्ट सिद्धि है। पहला हनुमान जी की भक्ति का ये लाभ है। दूसरा लाभ, तुम्हें भूत भूत लगे हली उलाय वालों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, उनके रूमाल से भूफा से हलवा नहीं होने है। हाँ, तो उसके चक्कर में तुम्हें पड़ने, अब तुम्हें भूत लगे घबराओ मत, पांच लौंगे ले लो, हनुमान जी की भक्ति शुरू करो। क्यों? अरे भूत पिशाच महावीर, यह दूसरा लाभ हनुमान जी की भक्ति का। बीमारी हो गई, तुम काउ तंत्र मंत्र के चक्कर में ना पड़ो, न दरबारन के चक्कर में पड़ो, तुम तो हमारे भी चक्कर में ना पड़ो, हनुमान जी के चक्कर में पड़ो। सच बात तो ये है, दरबार लगाना, चमत्कार दिखाना, कथा कहना हमारा बहाना है, असलियत में भारतीय हिंदुओं को जगाना है। बोलो जय सियाराम। तो तीसरा लाभ, अगर रोग बीमारी पड़ गई तब तुम तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़ो, कटोरी में गंगा जल लो, एक चौपाई 108 बार बोलो ना से रोग। उस गंगा जल को बीमार रोगी को पिला दो, जाओ बागेश्वर बालाजी की घर पे अर्जी लगा लो, पेशी एक दो महीना में शुरू कर दियो, जाओ इतने में ही जय जय हो जाएगी। अंतिम बात और नोट कर लो पागलो, चंडीगढ़ के काम आएगी। और अंतिम बात ये है, ढोंग की जिंदगी जीने से बढ़िया है ढंग की जिंदगी जियो, हैं? ढोंग की जिंदगी जीने से बढ़िया है कौन सी जिंदगी जियो? ढंगी। हम जैसे हैं वैसे देखो, आज से ज्यादा आदमी तो यही बात में हैरान है कि लोग क्या कहेंगे, ठटरी के बड़े क्या कहेंगे, लोगों को तो कहना काम है, वो कहते ही रहेंगे। इसलिए ढोंग की जिंदगी जीने से बढ़िया है कौन सी जिंदगी जियो? ढंगी। अब हम सबकी सामूहिक अर्जी लगा दे, हमें महाराज जी के यहाँ भी जाना है और भूख भी लगी है हमें, और हमारे बुढ़ापे को शरीर है। हम वहां से आए राजस्थान गए थे सांचो, वहां कथा करी, फिर दिल्ली में रात भर हम भूखा रहे, रात के हमने सम्मेलन करो, फिर हम क्रिकेट खेला रहे, आओ तो सुबह तक जगा रहे। अरे वाह, जय हो हाँ चेला, जय दादा परशुराम की। भैया इन्हें ये प्रभु जी खड़े हैं हरे कृष्णा वाले, इनको इंट्री दे दो, ये महात्मा है। अगर महात्मा ही इंतजार करेंगे तो महात्मा बनेंगे क्यों? महात्मा ही को इंतजार करने हो तो गृहस्थी ना बने, दो दो लोग आए रखे। जय आशीर्वाद मैया, तुम कहां बैग लेकर जा रही? हमसे मिल रहे हैं, हम तुम्हें भभूति भेज रहे। हाँ हाँ, जो तो हमारे छोड़ दो तुम्हें, इसका मतलब तो हमें सुनते रहते हो। ले जय सियाराम। भैया जो पाले जी ले, जो पाले जी ले, जो चाय में खप जाए ले आ गया। जय बजरंग बली, काहु की खपड़िया फूट गई। जय हनुमान जी, धन्यवाद भैया। अब हाँ हाँ मैया, मैया खुशी रहो, तबीयत ठीक है माँ? अब दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो, हम सामूहिक अर्जी लगाएंगे। यहाँ की प्रशासन भी अच्छी है, बहुत सरल है,
और यहाँ के हम तो सरदारियन की पगड़ी देख करके बहुत गौरव होने लगता है, हमारा मन बहुत प्रसन्न हो जाता है, हमारी बड़ी निष्ठा है सिख परंपरा के प्रति। हाँ, यहाँ के एसएचओ साहब को भी हम धन्यवाद दे रहे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था, आप लोग बहुत सरल हो, यहाँ चंडीगढ़ की पूरी शासन प्रशासन को साधुवाद है। वाहे गुरु जी का खालसा। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगाएंगे, फिर हम जो है भोजन कर लेंगे। हैं? हाँ जय हो। हाँ हाँ भाई साहब, तुम्हारे घर में टूट ना जाए, पागल ही पागल हो जाए। कहाँ रहते हो तुम? सेक्टर 15 बुड़ेल। हाँ हम कथा करने जब आएंगे तब आएंगे, अभी हम कथा करने चंडीगढ़ आए हैं। बा युवा सनातन संगठन हर मंगलवार चंडीगढ़ में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ करता है, शाम 7 बजे ताली बजाकर धन्यवाद दो। बहुत चलो मुट्ठी बांध दो, कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। मनी मन बालाजी को प्रणाम कर लो, सन्यासी बाबा को प्रणाम कर लो, दादा गुरुजी को प्रणाम कर लो, खाटू वाले बाबा को भी प्रणाम कर लो, जिनके कारण हम लोग पर संसार में आए हैं, माता पिता को प्रणाम कर। अब हमारे साथ बोलो, ओ बागेश्वराय नमः, ओ हम हनुमते नमः, ओ सन्यासी देवाय नमः। पुनः बालाजी के चरणों में प्रणाम कर लो। सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक अटूट उपाय है, जिन भक्तों के परिचय नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, सन्यासी बाबा ने हमें वचन देकर कहा था, भैया जो भी सामूहिक अर्जी लगाएंगे, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर देंगे, महीने में 2 महीने में एक बार शनिवार या मंगलवार की बागेश्वर हनुमान जी जो स्वयं विराजमान है, जहां श्री सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था, लाखों लोग भैया रोते हुए जाते हैं, ऐसी महिमा बागेश्वर बालाजी की है, वहां से हंसते हुए आते हैं, खाली झोली लेकर जाते हैं, अपनी झोली भर कर लेकर आते हैं। आप लोग भी मन ही मन में बालाजी को प्रणाम करते हुए हम उपाय कर देते हैं, तुम नियम शुरू कर दो, पेशी शुरू कर दो, जो अर्जी लेकर आए हो, जो बाधा लेकर आए हो, जो विषय लेकर आए हो, मनी मन 3 बार बोल दो, हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। ओम ओम ओम। कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, हे बालाजी हमारी हंसी मत करवाना, हमारे घर सेना भेज देना, हम जीवन भर आपके चरणों के
चाकर बने रहेंगे, नियम करते रहेंगे, पेशी करते रहेंगे, पर हमारी अर्जी सुन लो, हमारी अर्जी सुन लो, हमारी अर्जी सुन लो। भैया जिनकी भी अर्जी स्वीकार हो जाएगी उन्हें स्वप्न में दो दिन तक लगातार बंदर दिखाई दे देंगे, और दाएं हाथ की मुट्ठी को उतारा सात बार कर लो ऐसे, और पीछे की तरफ छोड़ दो। ऐसा करने से शरीर की जो भी नकारात्मक एनर्जी होती है वो दूर हो जाती है, और बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा ऐसे सात बार कर लो, इसे भी पीछे की तरफ छोड़ दो। फिर दोनों हाथों को आपस में मलो, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। आंखों में लगा लो, शरीर में जहां पीड़ा है स्पर्श करा लो। जाओ जितने भी लोग यहाँ आए हैं बड़ी देर से खड़े हैं, हम अपने बालाजी के चरणों में मंगलमय प्रार्थना कर रहे हैं, आप सबकी अर्जी स्वीकार हो जाए। जाओ तुम्हारे घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जावे, तुम्हारे ऊपर गुरुदेव की कृपा हो जावे। खूब प्रसन्नता पूर्वक रहियो, लगा के आग सहरत में, हमने ये शौक पाले हैं, कोई पूछे तो कह देना अपन बागेश्वर वाले हैं। खूब, और हाँ हंसा करो, हंसाया करो, हंसा करो, हंसाया करो, बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो।